हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा सो गाइस एज यूजुअल वी आर हेयर विद अ शॉर्ट लेक्चर लेक्चर्स दोस्तों जरूर शॉर्ट रखने की कोशिश है बट अल्टीमेटली कोशिश यही है, है कि मैक्सिमम गेन uh, कर पाए इन लेक्चर्स के अंदर से हम सो दिस इज एग्रीकल्चर स्टैटिक एमसीक्यूज लेक्चर 2 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अभी करंटली uh, जो मैं एमसीक्यूज यहां पर कर रहा हूं स्टैटिक के वो बेसिकली जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आप बोल सकते हो उनके एक मैगजीन आती है इंटेंसिव और एडवांस्ड एग्रीकल्चर की करके एक मैगजीन आती है क्वार्टरली पब्लिकेशन होती है तीन तीन महीने में पब्लिश होती है बेसिकली तो उसके अंदर से काफी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज निकल करके आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो मैगजीस आपको पढ़ने की खुद से जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चे आई बी पी एफ होगा जिन्होंने फॉर्म भरा है अभी उनका प्रीलिम्स होगा और प्रीलिम्स के अंदर तो चलो हमारा एग्रीकल्चर का कोई रोल नहीं रहता क्योंकि आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ही रहता है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करें लेकिन जैसे ही आपका थर्टी फर्स्ट डिसंबर हो जाता है उसके बाद आप फटाफट से इस चैनल के ऊपर आ जाएं और जितनी ज्यादा लेक्चर्स हो सके उतने ज्यादा देखें मेरी भी कोशिश रहेगी कि ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी जो आपके आई बी पी एस एफ ओ के मेन्स की डेट है अब से लेकर के ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी तक जितनी ज्यादा वीडियोज हो सके उतनी ज्यादा वीडियोज डालने की कोशिश रहेगी ओके तो आठ एमसीक्यूज हम इस लेक्चर टू के अंडर कवर करेंगे राइट एंड right. uh, uh, जो बच्चे आईबीपीएसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि टू थाउजेंड प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स को जरूर एक्सप्लोर करो तीन सौ रुपए का कोर्स है कोई एक्सपेंसिव uh, कॉस्ट नहीं है और अगर किसी को तीन सौ रुपए पे करने में भी प्रॉब्लम है आ रही है फाइनेंशियल तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करे लेकिन अगर आपका, आपका आईबीपीएसओ टारगेट है तो इस कोर्स को जरूर आप इसके अंदर एमसीक्यूज हैं क्विज के फॉर्म में क्विज प्रैक्टिस करो उसके बाद उसके डिटेल सोल्यूशन देखो ठीक है एक बार पेपर क्लियर हो गया तो ये तीन सौ रुपए कुछ वैल्यू नहीं रखेंगे आपके लिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं फटाफट से विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन मैगजीन के अंदर ये पॉइंट कवर था सो आई हैव इंक्लूडेड इट ओवर हेयर ठीक है इजी क्वेश्चन है अगर आप एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो एक दो महीने तीन महीने से भी तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड होता है कि ये वाला क्वेश्चन आप आंसर करो देखो मैं किसी को डिस्करेज uh, या एनकरेजमेंट वाला यहां पर बात नहीं है पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो uh, हम ये लेकर के चलते हैं कि हाँ यार अगर ये एक सीरियस एस्पायरेंट है तो इतना इसने याद कर लिया होगा या इतना इसने पढ़ लिया होगा ठीक है तो अगर आपका आई एफ इस साल का टारगेट है तो डेफिनेटली ये आपको आना चाहिए एंड द आंसर ओवर हेयर इज मेज तो जितने भी uh, आपके फेमस नेम्स है ना क्रॉप्स के वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछ लेता है ठीक है जी तो मेज को क्वीन ऑफ सीरियल्स कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया के अंदर डे न्यूट्रल प्लांट है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है लॉन्ग डे शॉर्ट डे में नहीं आता ये डे न्यूट्रल रहता है ठीक है एंड पूरा साल आप इसको ग्रो कर सकते हो ऑल राउंड द ईयर आप इसको ग्रो कर सकते हो इंडिया के अंदर अप्रॉक्सिमेटली नाइन पॉइंट टू मिलियन में इसको ग्रो किया जाता है और अराउंड थर्टी पॉइंट टू फोर जो मेट्रिक टन है इसका प्रोडक्शन है ये करंट डेटा के हिसाब से थोड़ा सा वेरी कर सकता है ठीक है डे न्यूट्रल प्लांट है ये याद रखिएगा क्वीन ऑफ सीरियल बोलते हैं इसको ये याद रखिएगा सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फॉल आर्मी वॉर्म ये बेसिकली बेटा एक पेस्ट है जो मेज को अटैक करता है ठीक है इंडिया के अंदर भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पेस्ट ने गेन की है तो बेसिकली ये जो फॉल आर्मी वॉर्म है इसका ओरिजिनेशन कहां पर हुआ था ये कोई बहुत आ, पुराने टाइम से चल रहा हुआ पेस्ट नहीं है इंडिया के अंदर तो रिसेंटली अभी पांच छह साल पहले ही ये आया है तो फॉल आर्मी वॉर्म पेस्ट कौन सी कंट्री के अंदर बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है ऑप्शन है आपके यूएस कीनिया ऑस्ट्रेलिया यूके नन ऑफ दी अबव देखो जैसे मैंने आपको कहा कि इस क्वेश्चन के अंदर आप तुक्का क्या लगाओगे ठीक है अब तो बस या तो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो करके जो वो बचपन में करते थे या जो भी आप खेलते थे गेम्स बचपन में या तो वो कर सकते हो ठीक है अदरवाइज अगर पढ़ा हुआ है तभी आंसर कर सकते हो और मैं अल्टीमेटली देखो मैं क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर जो रिसोर्सेज पिकअप करने की कोशिश कर रहा हूं मैं ऐसे रिसोर्सेज पिकअप करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको मेरे रिसोर्सेज के बारे में डिटेल देता रहता हूं टाइम टू टाइम कि कहां से हम क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ यार हम पी से ले रहे हैं या हिंदू के आर्टिकल्स हम पकड़ रहे हैं ठीक है थीके? अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो मैगजीन है वहां से पढ़ रहे हैं तो अगर किसी को वो जाकर के रीड करना है तो वो रीड भी कर सकता है उसको लेकिन अब मेरा क्या कोशिश रहती है कि यार इन सोर्सेज में से ना क्वेश्चन आते हैं एंड अल्टीमेटली इंटरनेट के ऊपर जितना जो भी पढ़ाया जा रहा है या जो पेड कोर्सेज भी आप लेते हो ना उसके अंदर वो क्या करते हैं वो ना एग्रीकल्चर की कोई एक किताब उठा लेते हैं ठीक है एग्रीकल्चर की ना ये के के लिए और IBPS, के के लिए और प्रिपरेशन ना एक किताब कई किताबें बनी हुई है कि उसमें छोटे छोटे चैप्टर गिवन है तो वो उस किताब को फॉलो कर लेते हैं एज इट इज ऐसा नहीं है कि उन किताबों को मैं यूज नहीं करता मैं भी यूज करता हूँ लेकिन एज इट इज वो उसको फॉलो कर लेते हैं और उस किताब के अंदर जो भी होता है वो आपको पढ़ा देते हैं और अल्टीमेटली बच्चों को लगता है कि यार मेरा एग्रीकल्चर क्लियर हो जाना चाहिए एग्रीकल्चर इतना ज्यादा वास्ट है कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि कहां से कितना पढ़ना है ठीक है बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना होता और बहुत कम भी नहीं पढ़ना होता एक बैलेंस बना करके चलना होता है जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और उस बैलेंस को बोलते हैं स्मार्ट वे ऑफ स्टडी तो अल्टीमेटली रिसोर्सेज ऐसे चुनने की कोशिश की जाती है जो आपको खुद से ना पढ़ना पड़े और आपके कवर भी हो जाए ठीक है खुद से ना भी पढ़ना पड़े और कवर भी हो जाए तो अल्टीमेटली फॉल आर्मी वॉर्म बेटा ये है यूएसए के अंदर ओरिजिनेट हुआ है अब ये क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं लेकिन पेपर के अंदर आते हैं तो बच्चे बहुचक्के रह जाते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं इसके बारे में क्योंकि वो क्या करते हैं वो ना सिर्फ फॉल आर्मी वॉर्म की प, आपको टेक्निकल चीजें क्या आपको पढ़ा दे सारी लेकिन आईबीपीएस ए एफ ओ का जो पेपर होता है या नबार्ड का भी जो पेपर होता है ये पेपर अब एएफओ का पेपर है ठीक है आपके पास एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होनी चाहिए लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर देखो ना कितनी ज्यादा फील्ड्स हैं हॉर्टिकल्चर है सीड साइंस है फिशरीज है ये है वो है लेकिन पेपर सबका एक होना है एएफओ में तो अल्टीमेटली वो पेपर को बैलेंस करके बनाता है है ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलते हैं उसमें यूएसए में ओरिजिनेट हुआ बेटा ठीक है तो uh, मेज में देखो बहुत सारे uh, पेस्ट अटैक्स आते हैं जैसे मेज शूट शूटबर्ग मेज एफाइड पिंक स्टेम बॉर शूट फ्लाई लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इफेक्ट करने वाला ये एक जो आपका पेस्ट है फॉल आर्मी वॉम ये काफी ज्यादा डेंजर uh, क्रिएट कर रहा है यूएसए के अंदर ओरिजिनेट हुआ है और धीरे धीरे यूएसए से ही ये बाकी के देशों में अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना में इंडिया में सब जगहों पर स्प्रेड हुआ है ठीक है चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए फॉल आर्मी वॉर्म इन्फेस्टेशन इन मेज रिपोर्ट हुई थी किस इंडियन स्टेट से पहली बार 2018 में मैंने आपको अभी पहले भी बताया ना कि इंडिया के अंदर ये बहुत ऐसा नहीं है कि पुराना पेस्ट है 2018 में ही पहली बार ये रिपोर्ट हुआ था कौन सी स्टेट के अंदर रिपोर्ट हुआ था ये आपको क्वेश्चन बताना है। देखो जनरल क्वेश्चन है कितने ठीक है ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्मार्ट नॉलेज है या बहुत स्पेशल नॉलेज है एग्रीकल्चर की तभी हो सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कि 80 से 90 बच्चे इनको आंसर नहीं कर पाएंगे सो ए महाराष्ट्र बी कर्नाटका सी केरला डी आंध्र प्रदेश ई गुजरात तो फॉल आर्मी वॉर्म मेज के अंदर कौन सी इंडियन स्टेट से रिपोर्ट हुई थी पहली बार दो में सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज विल बी ऑप्शन बी कर्नाटका ठीक है कर्नाटका में से पहली बार ये रिपोर्ट हुई थी 2018 के अंदर साल भी हो सके तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ठीक है जी सो so, पहली बार रिपोर्ट हुई जून 2018 में कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया से ये पेस्ट इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि अगर मैं 2018 की बात करूं तो 20 से 25 परसेंट क्रॉप इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरे दुनिया के अंदर यानी कि साढ़े तीन से पांच बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ठीक है अब इसको फॉल आर्मी वॉर्म क्यों कहा जाता है इस पेस्ट को क्योंकि इसके जो इंसेक्ट होते हैं ना वो ग्रुप के अंदर अटैक करते हैं इं जैसे आर्मी आती है ना ठीक है जब पूरी पूरी बटालियन आती है आर्मी की तो ये भी पूरे एक आर्मी आती है इंसेक्ट्स की एंड ये बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जो है आपके आ, इंफेक्ट करती हैं एक आर्मी की तरह और पूरे के पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं नाउ द इंसेक्ट डैमेज मैनी क्रॉप्स अदर देन मेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेज को ही ये अटैक करती है मेज के अलावा और भी क्रॉप्स को ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है उसके अंदर कॉटन टोबैको राइस पीनट एप्पल ऑरेंजेस ये सब क्रॉप्स भी आपके आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाओ जी फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर फॉल आर्मी वॉर्म बिलोंग्स टू द ऑर्डर तो कौन से ऑर्डर को बेसिकली बिलोंग करता है जैसे आपके इंसेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर होते हैं ना तो फॉल आर्मी बॉम्ब कौन से ऑर्डर के अंदर आता है ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है ठीक e है ऑप्शन ए ऑर्थोप्ट्रा बी लेपिडॉप्टा सी फ्लाई डी ऑडा एंड ई इज नन ऑफ दी अब अगेन फैक्चुअल नॉलेज है थ्योरिटिकल नॉलेज है okay, ओके तुक्केबाजी नहीं चलेगी राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज लैपिडॉप्ट्रा ठीक है तो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन इसकी देख लो ऑर्डर आ गया आपका लेपिडॉप्ट्रा फैमिली uh, आ जाएगी नॉकटिव एंड साइंटिफिक नेम जो इसका रहता है दैट इज स्पॉडॉप्ट्रा फ्यूजी पेडा ठीक है तो ये इसका साइंटिफिक नेम है अब ये अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं है भी याद हो रही है ना या स्पेलिंग पूरी याद करने की जरूरत नहीं है देखो इंटरव्यू के अंदर तो कोई पूछने वाला है नहीं इंटरव्यू के अंदर तो वो पूछेगा भी तो जनरल क्वेश्चन पूछता है कि यार ये कर्नाटका के अंदर या मेज में कौन सा इनसेक्टर अटैक करता है वो ये नहीं पूछेगा साइंटिफिक नेम बताओ इंटरव्यू के अंदर वो ये टेक्निकल नॉलेज नहीं पूछता है तो अल्टीमेटली स्पेलिंग्स के ऊपर या प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उल्टा सीधा जैसा भी याद होता है कर लो टिक लग जाए बस पेपर के अंदर मेन ये है

सो द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन गाइज विल बी डेस्मोडियम ठीक है डेस्मोडियम जो है इसके अंदर सही जवाब रहेगा आपका ऑल राइट सो इसके अंदर ना पुश एंड पुल टेक्निक यूज की जाती है पुश एंड पुल टेक्निक का बेसिकली क्या होता है मैं आपको भी समझाता हूँ समझ इसमें क्या करते हैं ना इसमें जैसे आपकी मेज क्रॉप है ठीक है तो मेज क्रॉप के साथ ना दो क्रॉप ग्रो की जाएंगी और एक होगी डेस्मोडियम और दूसरी होगी नेपियर ग्रास ठीक है अब होगा क्या डेस्मोडियम का क्या काम है डेस्मोडियम का जो ऑडोर है ना वो इस पेस्ट को दूर भगाएगा ठीक है तो ये डेस्मोडियम को हमने मेज के साथ लगा दिया ताकि ये पेस्ट को दूर भगा सके और मेज क्रॉप के ऊपर ये पेस्ट फीड ना करे ठीक है उसके बाद इसी यहां पर तो इंटरक्रॉपिंग कर दी हमने मेज और डेस्मोडियम की अब हम बॉर्डर के ऊपर लगा देंगे नेपियर ग्रास ठीक है बॉर्डर के ऊपर हम लगा देंगे नेपियर ग्रास ताकि ये जो इंसेक्ट है जिसको डेस्मोडियम ने रिपेल किया है वो अल्टीमेटली नेपियर ग्रास के ऊपर चले जाएंगे ठीक है और जब ये नेपियर ग्रास के पास इकट्ठे हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जब नेपियर ग्रास के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर हम जाकर के इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देंगे और इन इंसेक्ट्स को मार देंगे तो बेसिकली हमने रिपेल कर दिया ठीक है रिपेल करने के बाद हमने उनको छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर हम उनको छोड़ेंगे तो वो बाकी की क्रॉप्स के ऊपर जाकर के इंपैक्ट कर सकते हैं जहां पर डेस्मोडियम शायद अवेलेबल ना हो तो अल्टीमेटली हमने उनको पहले तो डेस्मोडियम का यूज करके दूर भगा दिया पुश कर दिया और नेपियर ग्रास का इस्तेमाल करके उनको नेपियर ग्रास की तरफ पुल कर लिया एंड अल्टीमेटली फिर नेपियर ग्रास के ऊपर जाकर के हमने इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके उनको मार दिया तो इसको हम बोलते हैं पुश एंड पुल टेक्निक जहां पर एक क्रॉप दूर भगा रही है दूसरी क्रॉप अपने पास खींच रही है एंड अल्टीमेटली वी आर यूजिंग द टेक्निक टू किल द पेस्ट ठीक है तो ये आपकी पुश पुल टेक्निक आ जाएगी ना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ देखो कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो ठीक है आप टेलीग्राम के ऊपर चैट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो लिंक से ठीक है आप व्हाट्सएप कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप कॉल शेड्यूल करना चाहते हो मेरे से फोन पे बात करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज कर दो कि सर फोन पे बात करनी है हम एक टाइम सेट कर लेंगे कि हाँ इस टाइम के ऊपर हम बात कर सकते हैं और फिर आप आराम से मुझसे अपने डाउट्स फोन के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हो ठीक है कोई टेंशन नहीं है जब लास्ट स्लाइड आएगी उसमें आपको नंबर वगैरह सब दिखा दूंगा विच द द फॉलोइंग कैन बी एन ऑर्गेनिक अप्रोच टू कंट्रोल फॉल आर्मी वॉर्म पेस्ट इनमें से किसको आप एज एन ऑर्गेनिक अप्रोच यूज कर सकते हो ग्रीन चिली सोल्यूशन चारकोल पाउडर सोल्टी वॉटर लाइम या फिर ऑल ऑफ द अब ऑर्गेनिक अप्रोच क्या है इसको कंट्रोल करने का तो यहां पर आपका जो सही जवाब है दोस्तों दैट इज ऑल ऑफ अबव ये चारों आप यूज कर सकते हो तो ऑर्गेनिक अप्रोचेस में ग्रीन चिली सोल्यूशन आ गया चारकोल पाउडर आ गया सॉल्ट वाटर लाइम आ गया वुड डैश का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आप फॉल आर्मी वॉर्म को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो ठीक है इसको आपको डायरेक्टली जो प्लांट का सेंट्रल हॉल है उसके अंदर अप्लाई करना है ये, आप इसको सिंगली भी अप्लाई कर सकते हो या कॉम्बाइन भी कर सकते हो दो चीजों को एक साथ वाटर में मिक्स करके एंड जो भी लार्वे होगा इंसेक्ट का वो दो से तीन दिन के अंदर इट कैन किल तो ये याद रख लीजिएगा ग्रीन चिली सोल्यूशन चारकोल पाउडर सोल्टी वॉटर लाइम वो डैश ओके सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर आपको जो फॉल आर्मी वॉर्म है इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है तो इसमें से आप कौन सा बायोलॉजिकल ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो बेसिलस थियोरोजनजेसिस ओके उसके बाद है आपका न्यूमेरिली और उसके बाद है ट्राइकोग्रामा अब नॉन ऑफ क्या सही जवाब होगा अगेन द आंसर इज ऑल ऑफ दी ये तीनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आपके ये तीन ऑप्शंस आ गए उसके बाद नीम ऑयल आ गया आप पारिथ्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो ओके केमिकल कंट्रोल भी देख लो यहां पर आप जो इंसेक्टीसाइड यूज कर सकते हो आ, इसके अंदर आप इमेमेक्टिन बेन्जोइट ये परसेंटेजेज आप छोड़ दीजिएगा ठीक है उसके बाद कैटेप हाइड्रोक्लोराइड इसको भी अगेन छोड़ दीजिएगा मेत, ओके देन क्लोरिन क्लोरिपोल ये सब आप जो है अप्लाई कर सकते हो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ओके और आप डायरेक्ट स्प्रे इसके अंदर कर सकते हो सेंट्रल होल के अंदर तो केमिकल्स थोड़े से दिमाग में रख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ अब करूपू कविनी ये एक ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ राइस है और ये मेनली किस स्टेट के अंदर ग्रो की जाती है करूप्पू कविनी ऑप्शन है तमिलनाडु ओडिशा अंडमान केरला एंड नन ऑफ दी तो यहां पर आपका क्या सही जवाब होगा द राइट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन ए तमिलनाडु तमिलनाडु का ये एक ट्रेडिशनल वेराइटी है राइस का जो ग्रो किया जाता है और वहां पर काफी रिलीजियस सेरेमनीज के अंदर भी इसको यूज किया जाता है ओके सो बेसिकली ये जो वेराइटी ऑफ राइस है स्पेशली रेड सॉइल्स या ब्लैक कॉटन जहां पर होते हैं वहां पर सुटेबल होता है वन फोर्टी फाइव टू वन फिफ्टी डेज लेता है और इसका जो वेट रहता है अराउंड थर्टी टू थर्टी फाइव ग्राम्स का रहता है थाउजेंड ग्रेम्स का एंड इसको आप डायरेक्ट सोइंग या ट्रांसप्लांटेशन किसी भी तरीके से ग्रो कर सकते हैं बेसिक इतना ही आपको इस क्रॉप के बारे में जानना है ज्यादा नहीं बाकी मेडिसिनल यूजेज जान लीजिए काफी अच्छे इसके मेडिसिनल यूजेज हैं जैसे कि कॉलोन कैंसर को ट्रीट करता है हार्ट डिजीजेज ऑबेसिटी एज एंटी ऑक्सीडेंट हेल्प करता है ठीक है इम्यूनिटी इंप्रूव करता है क्योंकि आयरन कंटेंट काफी अच्छा इसके अंदर होता है ठीक है फाइबर भी इसके अंदर ज्यादा होता है तो इस वजह से डाइजेशन के लिए अच्छा होता है तो ये कुछ मेडिसिनल यूजेस हैं जो आप याद रख सकते हैं ठीक है चलिए सो विद दिस वी आर डन विद एट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्दर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी कोशिश यही है कि पिछले एक साल की ये मैगजीन में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो डिस्कस करवा दूँ आने वाले पांच दस लेक्चर्स के अंदर उसके बाद और भी स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे सो so, uh, जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम का चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो लिंक में से अगर आप कॉल करना चाहते हो तो ये रहा नंबर आप व्हाट्सएप के ऊपर एक बार मैसेज कर दो हम टाइम सेट कर लेंगे uh, मेल कर सकते हैं आप एंड डेफिनेटली चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय